वेलकम बैक एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं पाचन तंत्र। ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक हो या फिर ऐसे इंसान को ही पता होना चाहिए जो पढ़ रहा है या फिर जो भी साइंस की फील्ड में है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक इंसान को पता होना चाहिए कि उसकी बॉडी में डाइजेशन या पाचन कैसे हो रहा है, कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं वो कहाँ जा रही है, कैसे क्या हो रहा है। द एंटायर प्रोसेस शुड बी नोन वेरी वेरी क्लियरली। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि डाइजेशन का मतलब क्या होता है। डाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि जो भी फूड हमने खाया है, फॉर एग्जांपल हमने राइस खाया हुआ है, ठीक है, तो हमारी बॉडी राइस को एब्जॉर्ब नहीं करती, कि हमारी बॉडी किस तरीके की बनी हुई है। उसे चाहिए कार्बोहाइड्रेट। फॉर द कार्बोहाइड्रेट इस राइस को किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट में। तो राइस जो है आपका वो कॉम्प्लेक्स फूड है, मतलब जटिल खाना है, और जब वो डाइजेस्ट होकर कार्बोहाइड्रेट बन जाता है तो वो सिंपल फूड बन जाता है। और हमारी बॉडी की हैबिट है, हमारी बॉडी सिर्फ सिंपल फूड को एब्जॉर्ब करती है। तो ये सारा डाइजेशन का मतलब ही ये है कि जो भी हमने खाना खाया है, जो भी हमने फूड खाया है, वो चाहे आपने राइस खाया हो, चाहे आपने पल्सेस खाई हो, मतलब आपने दालें खाई हो, चाहे आपने सब्जी खाई हो, वट एवर यू हैव टेकन, इट शुड बी ब्रेक डाउन इंटू सिंपल फॉर्म, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आपने खाया हुआ है पल्सेस, आपने दाल खाई है, तो हमारी बॉडी को डायरेक्ट पल्स नहीं चाहिए, उसे चाहिए प्रोटीन। तो पल्सेस का प्रोटीन में कन्वर्जन, दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। अब ये इतनी आसानी से तो नहीं होता, इसमें चाहिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे इसमें यूज़ होते हैं। सो आज इस वीडियो में हम वो सारे ही ऑर्गन्स पढ़ेंगे, समझेंगे कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। हम सबको पता है कि सबसे पहले जो हमारा खाना जाता है वो कहाँ पर जाता है, माउथ में। और माउथ में आपके क्या क्या है, आपके टीथ हैं, आपकी टंग है, और हमारे जो माउथ में जो गीला गीला सा रहता है, जो लिक्विड रहता है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं लार, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं सलाइवा। तो ये तीन चीज़ें हमारे माउथ में प्रेजेंट होती हैं। दांत का तो हमें फंक्शन पता है कि वो खाना चबाता है, ठीक है, टंग का यानी आपकी जीभ का मेन फंक्शन है बोलना, लेकिन उसके अलावा भी जो खाना होता है उसको मॉइस्ट करता है यानी मिक्स करता है। और सलाइवा का मेन फंक्शन क्या होता है, कि जो आपका फूड है उसको निगलने के लायक बनाए, मतलब सलोट बनाए, कि आपका खाना वो नीचे उतर सके गले से। अदरवाइज़ अगर आपके गले में सूखापन होगा, अगर आपके गले में सलाइवा नहीं, मुँह में सलाइवा नहीं, तो खाना आपके गले से नीचे उतरेगा ही नहीं। तो ये सलाइवा आता कहाँ से, हमारे जो माउथ है, जो हमारी बक्कल कैविटी है, उसके अंदर आपने देखा ये तीन तरीके के ग्लैंड्स होते हैं। अब ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे लिक्विड रिलीज होता रहता है, ठीक है। तो हमारे माउथ में ऐसी तीन थैलियाँ हैं, तीन लिक्विड कंटेनिंग ग्लैंड्स हैं, जिनका नाम है पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सब मैंडिबुलर। ये तीन हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिनसे सलाइवा रिलीज होता है, और वो सलाइवा हमारे खाने को मॉइस्ट बनाता है, मिक्स करता है, ताकि वो ईजिली स्वेलो कर जाए, ठीक। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम डायग्राम और क्लियर देखते हैं। हमें क्या दिख रहा है कि खाना यहाँ तक तो पहुँच गया, अब खाना कहाँ जा रहा है हमारा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं खाने की नली, ठीक है। इंग्लिश में उसे बोला जाता है ईसोफेगस, या फिर इसे हम एक नाम और देते हैं जिसे हम बोलते हैं फूड पाइप। फूड पाइप हमारी एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिससे सिर्फ जिसका काम सिर्फ इतना है कि वो माउथ से खाना ले जाकर कहाँ भेजती है, स्टमक में, ठीक है। मेन फंक्शन इसका सिर्फ इतना है कि जो हमारा खाना है वो माउथ से नीचे आ जाएगा स्टमक तक, ठीक। इतना सब क्लियर हो गया होगा। अब एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, फेरिंग्स। ये फेरिंग्स आपका प्रेजेंट होता है जस्ट यहाँ पर, ठीक है। इसी के पास आपका लैरिंग्स होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये हमारी बॉडी में वॉइस बॉक्स कहा जाता है, यानी कि जो आप बोलते हो, जो आपकी आवाज़ निकलती है, वो लैरिंग्स की मदद से निकलती है। अगर लैरिंग्स गड़बड़ कर जाएगा तो आपकी वॉइस सही नहीं होगी। अब हम लोग आ जाते हैं स्टमक के पास। तो खाना हमारा ईसोफेगस से, या इसको हम लोग फूड पाइप बोलते हैं, या उसको हिंदी में हम बोलते हैं खाने की नली, ठीक है। हमारा खाना अब कहाँ पर आएगा, स्टमक में, ठीक है। ये हमारा है स्टमक। स्टमक के पास तीन चीज़ें होती हैं। पहला तो होता है HCL, ये एक एसिड है। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि एसिडिटी हो जाती है इंसान को, तो जब एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है बॉडी के अंदर, देन हमें क्या लगता है कि हमारी बॉडी में क्या हो गई है, एसिडिटी हो गई। इसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग इनो वगैरह इनटेक करते हैं। तो यानी कि जो HCL हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट है, जब उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो हमारी बॉडी के अंदर
एसिडिटी की क्वांटिटी, एसिडिटी की कंडीशन आ जाएगी। ठीक, दूसरी चीज़ इसके अंदर प्रेजेंट होती है वो होती है म्यूकस। अब क्वेश्चन आता है कि म्यूकस क्या होता है, क्योंकि हर बच्चे को तो नहीं पता कि म्यूकस क्या होता है। तो म्यूकस का मेन मतलब होता है कि म्यूकस एक आपका स्लिपरी सब्सटेंस है। ये स्लिपरी सब्सटेंस क्या करता है, एक्चुअली क्या होता है कि जो HCl होता है वो बहुत स्ट्रांग एसिड होता है, अगर वो किसी की स्किन के ऊपर पड़ जाएगा तो वो उसको ख़राब कर देगा। तो स्टमक की वॉल को ये म्यूकस बचा के रखता है। किस तरीके से बचाता है, इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका स्टमक है, ऐसे समझिए, ठीक है, ये स्टमक है और इसके बीच में HCl भरा हुआ है। तो जो हमारा म्यूकस है वो किस तरीके से एक्ट करता है, वो ऐसे चारों तरफ प्रेजेंट होता है। जब ये इसके चारों तरफ प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा म्यूकस है वो डायरेक्टली इसके टच में नहीं आ पाएगा। यानी वॉल तो हमारी यहाँ है और HCl यहाँ है और म्यूकस ने बीच में क्या कर रखा है, एक लेयर बना रखी है, जिससे कि जो HCl है वो डायरेक्ट स्टमक की वॉल को टच नहीं करेगा और स्टमक की वॉल को ख़राब नहीं करेगा। ठीक है, तीसरी चीज़ इसके पास क्या प्रेजेंट है, गास्ट्रिक जूसेस। अभी गास्ट्रिक जूसेस क्या होते हैं, ये गास्ट्रिक जूसेस वो होते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब स्टमक में तो हमारा डाइजेशन हो गया, अब हमारा खाना जाएगा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी ये रही, दिस इज़ अवर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाला पोर्शन। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ये रहा। अगर थोड़ा सा और आप ध्यान से इसको देखें तो ये वाला पोर्शन जो है ये तो छोटा है और ये जो अंदर है ये बड़ा है, लेकिन फिर भी हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं छोटी आँत। तो एक्चुअल बात यह है कि जो आपकी छोटी वाली आँत है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बड़ी है, और जो हमारी बड़ी वाली आँत है वो एक्चुअल में स्मॉल है, लेकिन फिर भी हम इसको लार्ज बोलते हैं और इसको स्मॉल बोलते हैं। रीज़न इसका ये है कि साइंटिस्ट ने जब इसकी स्टडी करी है तो उन्होंने इसकी लेंथ पे नहीं, इसकी विथ पे करी है, मतलब इसकी चौड़ाई पे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन वो कम चौड़ी है और आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है दैट इज़ मोर वाइड, दैट इज़ वाई वी आर सेइंग इट एज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस एज लार्ज इंटेस्टाइन। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। नाउ फूड फ्रॉम दिस स्टमक रीचेस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब खाना स्टमक से कहाँ जाएगा, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। इन स्मॉल इंटेस्टाइन व्हाट वी आर वॉचिंग कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जो सिक्रीशंस आते हैं जिनसे डाइजेशन होगा वो आपका आता है पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज आपको यहाँ पे बहुत मुश्किल से दिखाई पड़ेगी क्योंकि स्टमक के पीछे होती है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये रहा, ये वाला पोर्शन ये आपका पैनक्रियाज है, ये वाला ये पोर्शन आपका पूरा पैनक्रियाज है। तो यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस कहाँ पर आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। लीवर जो होता है आपका वो क्या रिलीज करता है, बाइल, ठीक, जिसको स्टोर कौन करता है, ये वाला स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे बाइल स्टोर रहता है और जैसे ही डाइजेशन स्टार्ट होता है वो वहाँ से यहाँ तक स्मॉल इंटेस्टाइन के पास आ जाता है। यानी हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके पास तीन चीज़ें आ रही हैं, एक तो पैनक्रियाज से सिक्रीशन आ रहा है, यानी कि पैनक्रियाज हमारा एक सिक्रीशन दे रहा है, दूसरा बाइल जूस आ रहा है जो कि गाल ब्लैडर से आ रहा है, ठीक, और तीसरा जो इसके अपने जूसेस हैं, इन तीनों को मिला के खाने को वो जो बचा कुचा डाइजेशन है वो ख़त्म कर रहा है। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह है जहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है, तो इट स्टार्ट्स इन द माउथ। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट वी आर वॉचिंग हियर कि हमने ये देख लिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आके डाइजेशन कंप्लीट हो गया और एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है, क्योंकि सारा खाना खाना ये डाइजेशन करना मेन फंक्शन तो ये है ना कि एब्जॉर्ब हो पाए, क्योंकि बिना एब्जॉर्प्शन के थोड़ा ना एनर्जी मिलने वाली किसी काम को करने के लिए। तो एब्जॉर्प्शन का भी जो प्रोसेस है वो कहाँ पर हो रहा है, इट इज़ हैपनिंग इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, यानी मेजर फंक्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, लेकिन जब सब फंक्शन इसी का है तो लार्ज इंटेस्टाइन की क्या ज़रूरत है। लार्ज इंटेस्टाइन की ज़रूरत असल में ये है कि जो खाना अनडाइजेस्टेड है, मीन्स कि उससे अब हमें कोई एनर्जी नहीं मिलने वाली, जो खाना हमारा बचा हुआ है, ऐसा तो नहीं होता ना कि हमने 100% खाना खाया है एंड दैट 100% इज चेंजिंग इनटू 100% ऑफ एनर्जी, कुछ तो खाना वेस्ट हो ही जाता है। सो दैट वेस्ट फूड कम्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और जहाँ पर फर्दर एब्जॉर्प्शन हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है कि उस वेस्ट से जो भी पानी बचा होता है, जो भी सॉल्ट या मिनरल बचा होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और उसके बाद उसको रेक्टम में स्टोर कर देती है, और वो वेस्ट जो होता है वो आपकी बॉडी में NS के थ्रू निकल जाता है। ठीक है, सो इट वॉज ऑल अबाउट द डाइजेशन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, माउथ से स्टार्ट होते हुए इट रीचेस अप टू द लार्ज इंटेस्टाइन।
अब सारे जितने पार्ट्स लिखे हुए एक बार ध्यान से मैं आपको बता देती हूँ नाम क्या क्या लिखा हुआ है। ये आपको बता दिया था, इट वॉज माउथ दैट इज टंग। ये आपके तीन ग्लैंड्स थे विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ द सलाइवा। इट वॉज फेयरिंग, ये रहा स्टमक, ये रहा पैनक्रियास, बिल्कुल अंदर पैनक्रियास। जो चीज़ आपके जानने वाली है वो आप जान लीजिए, अदरवाइज इसमें बहुत कुछ ऐसा दिया हुआ है जो आपके सिलेबस से अभी नहीं आना है। दिस वन इज लिवर, दिस वन इज गाल ब्लैडर। अब आपको याद होगा गाल ब्लैडर क्या कर रहा था, कि लीवर का जो सिक्रीशन था बाइल उसको स्टोर कर रहा था। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है। स्टमक के तीन पार्ट होते हैं, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। इलियम जहाँ पे ख़त्म होता है वहीं से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है। इसी तरीके से आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका एक पार्ट है असेंडिंग, डिसेंडिंग, सीकम, सिग्मोइड, रेक्टम और एनल केनाल। इन सब के थ्रू जो वेस्ट होता है हमारा बॉडी का होते हुए बॉडी से बाहर निकल जाता है। सो इट वॉज ऑल अबाउट द डाइजेशन, एंड इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।